going to teach 2-digit fast multiplication. Let us see. यही सोच रहे होंगे कि मैंने इतना तेज फास्ट मल्टीप्लाई कैसे किया। Do you also want to make fast calculation like me? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग हमेशा ये करते हैं 4-3-8-3-4 जाए मतलब कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो हम लोग इसमें नीचे से ही ऊपर कर ले रहे 4-3-12 तो हम लोग 12 तो यहाँ लिख दिया हम लोग का 1 हो गया कैश तो हम लोग 1 अपना यहाँ पे लिख लेते हैं फिर हम लोग उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 4-3-2-4 तो पहले 4-3 करते हैं 4-3 भी 12 होता है प्लस 12 21 का हम लोग लिखेंगे 1 यहाँ और हम लोग कहेंगे 2 कैरी तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैरी वाला तो फिर हम लोग को करना है जैसे हम लोग पहले वाले में कर रहे थे 3-4-4-3 तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 4-2-2-4 आंसर तो 18 है प्लस 8 तो 2+8=10 और 10 हम लोग यहाँ का यहाँ लिख देंगे तो देखिए हम लोग ने कितने जल्दी में आंसर इसका निकाल दिया तो आंसर है 1012 चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 16 × 3 तो 3 6 जा या 6 3 जा आंसर तो एक ही आएगा 18 हम यहाँ पे 18 लिख देंगे 1 हम लोग का कैरी कैरी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फिर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 = 3 3 6 + 3 तो 1 + 3 + 18 = 22 का हम लोग 2 यहाँ लिखेंगे फिर हम लोग को 2 कैरी 1 3 = 3 बन जाए दोनों का एक ही आंसर है 3 2 + 3 = 5 को यहाँ लिख देंगे देखिए हम लोग का ये अलग भी एग्जाम्पल सॉल्व हो गया तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए 54 × 46 तो 6 हो जाए कितना होता है या 4 हो जाए आंसर तो आएगा 24 और हम लोग यहाँ लिख देंगे तो हम लोग का हो गया कैरी फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 = 30 4 4 = 16 तो 30 + 2 + 30 30 + 16 = 48 का हम लोग एक यहाँ लिखेंगे और हम लोग का कैरी 5 4 या 4 5 आंसर तो एक ही है तो 5 4 = 20 4 + 20 = 24 हम यहाँ लिख देंगे और देखिए हम लोग ने ये वाला भी कितना आसानी से सॉल्व कर दिया चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं आवर लास्ट एग्जांपल इज 30 × 29 9 × 0 = 0 फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9 = 27 27 हम लिख देंगे 2 × 0 = 0
plus 0. तो हम लोग का आंसर आया 27. तो 27 का हम लोग 7 यहाँ लिखेंगे. 2 हम लोग का कैरी, हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 हम लोग का कैरी अपना. फिर 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर तो आना है 6. तो प्लस 6 इज इक्वल टू 8 हम लोग यहाँ लिखेंगे. और हम लोग ने ये वाला भी सॉल्व किया. दोस्तों आपने देखा कि हम लोग ने कितनी जल्दी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. तो मैं अगली बार 3 डिजिट फास्ट मल्टीप्लीकेशन लाऊंगा. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.